गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आप सभी को आज का ये सुंदर वचन के साथ पास्टर जॉन धर्मराज नरेगा कांग्रेगेशन चर्च की ओर से इफिसियों की पुस्तक 3:17 आज आशीष के लिए लिया गया वचन। फ्रॉम द बाइबल द वर्ड इज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द ब्लेसिंग इज इफिसियंस 3:17 सो दैट क्राइस्ट मे ड्वेल इन योर हार्ट थ्रू फेथ and I pray that you be rooted and established in love. इसी की पुस्तक में 3:17 और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेम डालकर परमेश्वर में बना रहे। हालेलुया। मसीह का प्रेम, the God's love in our heart is, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में इसके लिए है कि हम मसीह में जड़ पकड़कर रहे। जो पेड़ जड़ नहीं पकड़ती वो क्या आंधी तूफानों में गिर जाती है, पहाड़ों में बह जाती है। बाइबल में खजूर के पेड़ के बारे में लिखा है, अमीन, वो रेगिस्तान में होने के बावजूद उसका जड़ इतना नींव डालती है कि वो अमीन अकाल के समय पर भी फल देती है, फूलती है और आशीषित रहती है। अगर आप आज के दिन में अपने दिन को और बेहतर बनाना चाहते हो, अपने दिन को और खुशहाल बनाना चाहते हो, अपने दिन को और आशीषित बनाना चाहते हो और अपने दिन को प्रभु यीशु नासरी के अंदर और सुंदर और सुहाना बनाना चाहते हो, तो परमेश्वर यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे एक बात कहते हैं। वो बात ये है कि तुम्हें नींव डालना है, तुम्हें जड़ पकड़ना है, तुम्हें मजबूत होना है, क्योंकि बहुत बेकार समय अंतिम दिनों पर हम इस दुनिया में है। एक जगह पे अकाल, एक बाजू में महामारी, एक बाजू में हमें पैसे की तकलीफें, एक बाजू में भूचाल, एक बाजू में भूकंप और झगड़े और दुनिया की परिस्थितियां बहुत खराब होती जा रही है। लेकिन उसके बीच में बैठकर हम उस परमेश्वर यीशु मसीह के भरोसे में बैठकर अगर हमें कुछ दुनिया में हासिल करना है, आगे बढ़ना है और परमेश्वर के आगमन का इंतजार पवित्रता और सच्चाई से करना है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे एक बात कहते हैं। वो बात यह है कि तुम्हें पक्का होना है, विश्वास में पक्का होना है, प्रेम में पक्का होना है, क्योंकि प्रेम में कोई डर नहीं होता, प्रेम में कोई कोप नहीं होती है, प्रेम कभी छूटता नहीं और प्रेम कभी भी धोखा नहीं देता। आपको परमेश्वर मसीह के प्रेम में पक्का होना है, आपको जड़ पकड़ना है। जो काम कर रहे हो, हमें कल के दिन में हमने एक वचन पढ़ा था बहुत सुंदर, हमें जो कुछ इस संसार में आप करोगे, हमें पूरे तन मन आत्मा से करो, मनुष्य के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करो। आपका सोच परमेश्वर का हो, आपका चालचलन परमेश्वर का हो, आपका काम परमेश्वर का हो, आपका भरोसा परमेश्वर पर रहे और आपका विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह बनकर रहे। और जो कोई नींव पकड़कर अपने उस पेड़ को मजबूत करेगा वो परमेश्वर के आगमन तक स्थिर रहेगा। तुरही की आवाज जब आएगी, हमें बादलों पर स्वर्गदूत जब तुरही फूकेंगे तो उस तुरही के महाशब्द में तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा और तुम बादलों पर अपने सारे दुखों को हंसी में उड़ाकर उड़ जाओगे। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें प्रेम में और भी पक्का होना है। तो आज हम जो कुछ करेंगे सच्चाई में, प्रेम में, विश्वास में पक्के होंगे और परमेश्वर के यीशु मसीह के सर को फक्र से, गमन से ऊंचा करेंगे, वो परमेश्वर के सारे आशीषों का हम वारिस बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सेनाधीश परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज जो कोई प्रभु परमेश्वर कमजोर है उसे स्थिर करना, जो हिल रहे हड़बड़ा रहे उनको पक्का करना, उनके जड़ को प्रभु और गहराई में नींव डालना, ताकि प्रभु आपके वचनों पर वो चले, आपके प्रार्थना पर वो विश्वास करे, आपके शब्दों को ग्रहण करे और आपके नाम को ऊंचा करे। उसके लिए प्रभु आज का दिन इनको बहुत बेहतर बना। यीशु आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु के पवित्र मीठे मधुर नाम से आमेन, आमेन, आमेन। इस अल्फा सीरीज के वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, सभी को भेजिए और सबके जीवन को बदले। परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है। हैव अ नाइस वंडरफुल डे। अपने नींव को मजबूत और पकड़ और उसको पक्का कीजिए। प्रभु आपका पेड़ में फल लाए कर देगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू।